फर्स्ट वी विल यूज और डिफाइन वट इज़ पार्टिकल फिजिक्स वाई पार्टिकल फिजिक्स केम इन टू द स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स का क्या यूज़ है और पार्टिकल फिजिक्स को यूज़ uh, मैंने हम लोग क्यों पढ़ते हैं क्यों इसका आवश्यकता है तो शुरू से जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास इलेवंथ क्लास सेवन एट नाइन टेन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो कोई, कोई भी मैटर है वो मैटर एटम से बना होता है और एटम्स के अंदर हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट किया तो पता चला कि नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और जैसे जैसे पार्टिकल्स के नेचर्स के बारे में हम लोग जानना शुरू किए वैसे वैसे पार्टिकल्स का डिस्कवरी होना शुरू हुआ सो इन इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी इट वॉज़ थाट दैट द एटम्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन बाद में फिर पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटोन्स जो है वो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं टू स्टडी द ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाई प्लांस जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी में जब भी कोई रेडिएशन uh, होता है तो वहाँ पे एनर्जी जो फॉर्म होता है वो क्वांटा के फॉर्म में होता है और इसको बंडल ऑफ पैकेट्स को हम लोग फोटोन्स कहते हैं तो फोटोन्स पर एक तरह का पार्टिकल है तो स्टडी द ब्लैक बॉडी रेडिएशन द प्लांग्स लीड टू द रेडियाज दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्वान्टाइज ए क्वान्टाइज होता है एंड द क्वांटा आर नोन एज जो बंडल ऑफ पैकेट में होता है क्वांटा इसको हम लोग क्या कहते हैं फोटोन्स कहते हैं तो फोटोन्स एक तरह का पार्टिकल्स हुआ अपार्ट फ्रॉम

So, it was thought that electron, proton, and neutron are the fundamental particles. We have seen that electron, proton, or neutron are the fundamental particles. 1932. But after that, there are certain particles are also discovered by the different scientists. So, later other particles like proton, krypton, mesons, baryons were discovered and their ऑल्सो रिकार्डेड एज इलिमेंट्री पार्टिकल इसको भी हम लोग इलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं सो so, इसको हम लोग देखेंगे जब हम इलीमेंट्री पार्टिकल्स जब लोग elementary particles हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे क्लासीफिकेशन ऑफ इलीमेंट्री पार्टिकल्स में देखेंगे फिलहाल हम लोग इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सो यूजली एन एलिमेंट्री पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है वेअर इज थॉट टू बी पॉइंट लाइक पार्टिकल इसको माना जाता है कि एक पॉइंट लाइट पार्टिकल होता हैविंग नो सब स्ट्रक्चर इसका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं होता है मतलब इसका कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं होता है ठीक है जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है प्रोटॉन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ये सोचा गया था बट आफ्टर द क्वार्क मॉडल जो हम लोग को पढ़ना है क्वार्क मॉडल में हाउ व स्ट्रक्चर कैन बी प्रोब्ड ओनली अप टू ए गिवन स्केल गिवन स्केल तक उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जा सकता है और विच इज डिसाइडेड बाई द एवेलेबल एनर्जी ऑफ द प्रोब सो एट द हायर एनर्जी स्केल वन कैन प्रूव डीपर इंटू द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल विच कैन ऑल्सो कंसिडर एज एलिमेंट्री मतलब जिस पार्टिकल्स का हम लोग डिस्कवर कर या पढ़ने जा रहे हैं वो एक प्रूफ के फॉर्म में मतलब जो एक्सपेरिमेंटल डेटा के फॉर्म में हम लोग उसको लेने जा रहे हैं उसके स्केल में उसको हम लोग नापते हैं तो उसको हम लोग बाद में आगे हाइयर पार्टिकल फीस के जब डिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिटेल्स में जाएंगे फॉर इंस्टेंट प्रोटोन एंड न्यूट्रोन आर फॉर्न टू हैव इनर स्ट्रक्चर मॉडल का एक पूरा पूरी टॉपिक ही पार्टिकल फिजिक्स में क्वार्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें दस इन पार्टिकल फिजिक्स क्वार्कस एंड लैप नंबर भी होते हैं है? उसके बारे में हम लोग देखेंगे what is the, what are the सुड बी ट्रीटेड एज इलिमेंट्री एट द प्रेजेंट एनर्जी स्केल प्रेजेंट एनर्जी स्केल पे इसको हम लोग क्या कहेंगे ये दे आर प्रेजेंट इन दार्टिकल फिजिक्स दैट इज क्वार ले प्रोडक्शन ऑफ इलिमेंट्री पार्टिकल्स सो फंडामेंटल पार्टिकल्स आर नॉट परमानेंट इंटिटीज ये परमानेंट नहीं होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स ये डीके करते हैं डीके करके छोटे पार्टिकल्स पे ब्रेक कर जाते हैं सो दे कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड वो क्रिएट भी होते हैं और डिस्ट्रॉयड भी होते हैं सो डिफरेंट इलिमेंट्री पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस बाई डिफरेंट मैथड्स डिफरेंट पार्टिकल जो है वो डिफरेंट अलग अलग मैथड से प्रोड्यूस होते हैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स आर ईजीएस्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी ईजी तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है बट अदर पार्टिकल्स कैन नॉट बी ईजली प्रोड्यूस सो ऑन द सोर्स एंड ऑब्जर्वेशंस देर आर थ्री मेन सोर्सेस ऑफ ऑब्जर्व एंड क्लियर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स तीन तरीके से हैं कॉस्मिक रेज पार्टिकल एक्सेलेटर्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स ये पार्टिकल एक्सेलेटर्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके डिटेल्स में और कॉस्मिक्स रे के बारे में भी पढ़ेंगे तो हम लोग बस इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स को तीन कैटेगरी में अभी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ऑब्जर्व करने के लिए

पार्टिकल्स के इंटरैक्शन पाए जाते हैं जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होते हैं उसके बारे में दीज इंटरक्शन विच फॉल्स इंटू द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज फोर कैटेगरीज में पाए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड पीक इंटरैक्शन तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन और एलिमेंट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे सो फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन सो ग्रेविटेशन्स के बारे में हम लोग क्लास इलेवेंथ में हम लोग देखे हैं वट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ द इट इज़ द इंटरेक्शंस बिटवीन टू मासस सो दिस वॉज द फर्स्ट इंटरेक्शन नोन टू है ह्यूमन फार्मुलेटेड इन नाइन सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स बाई न्यूटन न्यूटन के बाद ये सबसे पहला इंटरेक्शन दिया गया कि अगर दो मास जो है दोनों के बीच में अगर एम डिस्टेंस आर डिस्टेंस है और मास एम वन है और यहाँ पे मास एम टू है तो दोनों के बीच के इंटरेक्शन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एम वन एम टू एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर ठीक है सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीपिंग हेवेनली बॉडीज लाइक मून्स प्लान स्टार्स एक्सेट्रा जो हैली बॉडीज होते हैं बड़े बड़े उनके बारे में इसको देखा जाता है तो दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मासस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दम इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इट रेंज इज इनफाइनाइट ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर्स का होता है और इसका रेंज जो है इन्फाइनइट है दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है और इसका रेंज जो होता है वो इन्फाइनाइट होता है सो न्यूट गिव ए फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिड बाई आर स्क्वायर फॉर इंट्रेक्शन बिटवीन टू मासेज सो ग्रेविटेशनल इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कलर साइज चार्ज विलोसिटीज स्पिन एंड एंगुलर ओरिएशन ये जो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है फोर्स ये इन क्वान्टिटीज पर डिपेंड नहीं करता है साइज पे चार्ज पे विलोसिटीज पे स्पिन पे और एंगुलर विलोसिटीज या एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर ओरियंटेशन पे डिपेंड uh, नहीं करता है बट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया पे ये डिपेंड करता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन्स सेपरेटेड बाय द न्यूक्लियन डायमीटर अगर हम लोग दो न्यूक्लियॉन्स के बारे में देखें तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नियरली हमारा जो फॉर्मूला आता था एफ इज इक्वल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो यह कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कैपिटल जी जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल गैस कहते हैं सो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू डिडेड बाई आर स्क्वायर सो इट इज एफ इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन टू माइनस इलेवन और दोनों का न्यूक्लॉन का मास अगर हम लोग ले प्रोटोन का ले या नु, इसका न्यूट्रॉन का ले तो वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू माइनस सेवन जो कि टू है एम वन एम टू सो एम वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू माइनस सेवन ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर रेडियस अगर हम लोग ले तो न्यूक्लियन डायमीटर नियर अबाउट टेन टू द माइनस फोर्टीन का होता है सो आर स्क्वायर सो टेन टू द माइनस फोर्टीन स्क्वायर तो इट इज़ nearly इक्वल to टू into टेन टू the power माइनस 34 फोर न्यूटन सो हेयर वी सी दैट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज़ अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट कर दें तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये नियर अबाउट आएगा टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टी नाइन जूल सो इट प्लेज नो रोल इन पार्टिकल रिएक्शन अगर दो पार्टिकल रिएक्ट करेगा दो मास का तो इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है सो ग्रेविटेशन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ग्रेविटोन्स जो पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट करता है उस पर उस पार्टिकल्स को हम लोग ग्रेविटोन्स कहते हैं जिसको हम लोग पार्टिकल के टाइप्स में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स में सो so, याद रखना है कि जो पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स को रियलाइज करता है उसको हम लोग ग्रेविटोन्स कहते हैं देयर मास मस्ट पे ज़ीरो उनका मास जो है वो ज़ीरो होता है एंड देयर फॉर देयर विलोसिटी मस्ट भी दैट ऑफ लाइट इसका विलोसिटी जो है वो लाइट के बराबर होगा एज द ग्रेविटेशनल फीस इज एक्सट्रीमली स्मॉल और वीक ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है काफ़ी स्मॉल होता है सो देयर फॉर दिज ग्रेविटोन्स कैन नॉट बी रियलाइज इसको हम लोग प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी में इसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं दीज ग्रेविटोन्स आर नॉट डिटेक्टेड इन द लेबॉरट्री दीज इंटरेक्शंस इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल क्योंकि यह इंटरेक्शन काफ़ी स्मॉल होता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सो इट इज़ यूजली नेगलेक्टेड ठीक है तो ग्रेविटेश जब भी हम लोग पार्टिकल फिजिक्स में इंटरैक्शंस के बारे में बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं या फिर इसको कंसिडर ही नहीं करते लेकिन अगर है इंटरेक्शंस इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक का टर्म ही हमारा है कि अगर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दें से इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक ऑल द ऑर्डनरी केमिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जितने भी सारे के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके जो इफेक्ट्स uh, हैं वो दो टाइप में डिवाइड है uh, तो ड्यू टू द फील्ड दे प्रोड्यूस द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बिकॉज ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के चलते ये प्रोड्यूस होता है एंड बोथ आर पार्ट ऑफ सेम फिनोमिना सो दो अप्रोप्रिएट लॉ इसके लिए हमारा हम लोग पढ़े हैं ट्वेल्थ क्लास में कि जो कूलम्स लॉ ऑफ इंटरैक्शन होता है दो चार्जेस के बीच में दैट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू डिड बाई फोर पाई अप नॉट आर स्क्वायर सो अगर हम दो प्रोटोन आ, को अगर कंसीडर करें जिसके बीच का डिस्टेंस टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन मीटर का है तो ऑब्वियसली दो प्रोटोन है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि सेम चार्ज है सो दैट रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर पाई एफ्सिलम नॉट इसका जो हमारा वैल्यू होता है ये हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू होता है नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन एंड चार्ज ऑन द प्रोटोन चार्ज ऑन द प्रोटोन इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस नाइनटीन स्क्वायर

इंटरेक्शन को एक दूसरे से हम लोग कंपेयर करेंगे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर हमारा अगर इसमें माइनस चार्ज है तो इसका एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन जिसमें हमारा ठीक पॉजिटिव चार्ज होता है अगर इसमें वन पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू तो माइनस नाइनटीन जूल है अगर इसमें कूलम चार्ज है तो इसमें प्लस इंटू टू फाइव माइनस कूलम चार्ज होगा लेकिन पॉजिटिव सो दिस किस हर पार्टिकल्स का हमारा एक एंटी uh, पार्टिकल भी होता है तो so, फिर यही बात है कि ये सब सब हम लोग जब पार्टिकल फिजिक्स केपराइज कर, 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 करेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे सो पेयर ऑफ गामारेज एंडसीवर्सर दिस इंटरेक्शन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थ्रू द

सो द कर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेक्शन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज़ टेन टू द पावर माइनस सिक्सटीन सेकेंड मतलब इंटरेक्शन टाइम अगर दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वो नियर अबाउट टेन टू द पावर माइनस सिक्सटीन सेकेंड का होता है काफ़ी छोटा काफ़ी कम समय में लगता है द कैरियर ऑफ दिस इंटरेक्शन इज़ फोटोन इसका जो कैरियर होता है कौन सा चार्ज लगता है वो कैरियर होता, होता है वो फोटोन होता है

स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सेस इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटरक्शंस एंड वीक इंटरक्शन विच विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड वीक इंटरैक्शन इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है सो so, आज के क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा कि पार्टिकल फिजिक्स में इंटरैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं तो इंटरैक्शन्स हमारे चार टाइप्स के होते हैं चारों टाइप्स में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन uh, जो है वो हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन्स काफ़ी वीक होता है और इसका रेंज जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है नंबर टू हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होता है वो ग्रेविटेशनल से टेन टू द पावर माइनस थर्टी सिक्स टाइम्स ग्रेटर होता है इसका भी रेंज इनफाइनाइट होता है और ये इसमें मेन चार्ज कैरियर जो होता है वो फोटोन्स होता है फोटोन्स को जनरली गामास के फॉर्म में हम लोग कंसिडर करते हैं हम लोग देखेंगे पूरे एक एक टर्म्स को हम लोग देखेंगे कामा के फॉर्म में सो दीज आर द इंटर